तो अब वो लोग ये लोग घर का लोग आदमी गया था सब वहाँ, तो बोला जिंदा है, तो ये लोग लेकर जा रहा था तो डेड कर दिया रास्ते में, मैं उठा दे ये बात वो डेड कर दिया। इसके बाद घर लेकर डेथ हुआ, इसका नाम, उसका नाम शामीउल। कौन मारा है, कौन मारा है तो बता नहीं पाएंगे, नाम तो नहीं बता पाएंगे कौन कौन मारा है। अच्छा, तो कौन था वो लोग, वो आदिवासी आदमी था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। एक और दिल दहला देने वाली खबर और अफसोसनाक खबर झारखंड से सामने आ रही है। ये वही झारखंड है जहाँ पे तबरेज अंसारी को पीट पीट करके मौत के घाट उतार दिया था, और वहीं से एक और दर्दनाक खबर फिर सामने आ रही है। दोस्तों, देश में मॉब लिंचिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि सरकार मॉब लिंचिंग पे, इन सारे जो गुंडे हैं इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, इसलिए इस तरह की घटना सामने आती है। मानो मुसलमानों के जान की कोई कीमत ही नहीं है। आए दिन जहाँ पाते हैं देश के किसी ना किसी कोने में मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाता है, किसी ना किसी गलत छोटी गलती के वजह से भी या कुछ नहीं होने के वजह से भी उनका कत्ल कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम स्पेस नामक एक ट्विटर यूजर है, उन्होंने ट्वीट किया है, लिख रहे हैं कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग क्यों रुक नहीं पा रहे हैं। झारखंड में एक और मुसलमान की मॉब लिंचिंग। पाकुड़ जिले के जुगरिया गांव के निवासी 22 साल के समीउल शेख पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। सोचिए दोस्तों, जब कोई भी किसी को मार रहा है तो उसको इतना पता नहीं होता है कि इसका माँ होगा, इसके बूढ़े बाप होंगे, या इनकी पत्नी होगी, या इनके छोटे छोटे बच्चे होंगे। अगर इसको हम मार देते हैं तो फिर उनके माँ बाप का क्या होगा, या उनकी पत्नी का, या उनके बच्चे लोगों का क्या होगा, या उनकी बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसका शादी कौन कराएगा, ये सब दिमाग में नहीं आता है। इतने लोगों के अंदर आज जहर फैल चुका है, नफरत फैल चुका है, दिल में ज़रा भी रहम नहीं आता है कि किसी की जान इस तरह से बेदर्दी से ले लेते हैं। क्या अगर वो चोरी ही किया था, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, तो उसके लिए कानून नहीं है, पुलिस प्रशासन किस काम के लिए है, ये कोर्ट किस चीज़ के लिए बनी हुई है, बताइए, कानून किस चीज़ के लिए बनी हुई है। कानून के तहत उस पर कार्रवाई करते, उसको पुलिस के हवाले करते, पुलिस उसको सजा देती, ना कि उसको मार मार करके मौत के घाट उतार देते, उनका कत्ल कर देते, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। इस तरह की घटना आए दिन सामने आती है। सरकार से गुजारिश है कि इस पर लगाम लगाएं, वरना क्या होगा, सोचिए, देश में आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश के कोने में इस तरह से मॉब लिंचिंग हो जाती है, और सरकार एक ट्वीट कार्रवाई तो छोड़िए ट्वीट तक नहीं करते हैं, बताइए क्या होगा आखिर, बताइए। अगर सरकार के एक सवाल करता हूं, अगर सरकार के किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना घटती, उसके अपनों के साथ, तो फिर भी क्या सरकार खामोश रहती, बताइए। मतलब कोई भी राज छूटा हुआ नहीं है, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, गुजरात हो, कहीं ना कहीं देश के किसी ना किसी राज से ऐसी दर्दनाक खबरें आती है। दोस्तों, सुन करके दिल दहल जाता है कि क्या बीतता होगा उनके परिवार वालों पर, बताइए। ये खबर आई है, लेकिन कोई भी गोदी मीडिया ने दिखाया इस खबर को, कोई गोदी मीडिया दिखाने की ज़रूरत नहीं करता है। अगर यहीं पर अगर मरने वाला किसी दूसरे धर्म से होता, अगर मारने वाला अगर मुसलमान होता, तो सोचिए गोदी मीडिया पे डिबेट होती, उनका हेडलाइन बन जाता। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जो गोदी मीडिया हैं खामोश हैं, ये अंधभक्त भी चुप रहते हैं। अगर मुसलमान बोलते ना कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता, बिल्कुल ये वाला शेर यहाँ पर सटीक एकदम सेट होता है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत शुक्रिया।